जिले के लक्ष्मणकुटी धाम में मलिया मुड़िया की मंडलम बैठक का आयोजन कांग्रेस के माध्यम से किया गया, जहां पर विधायक अजय टंडन ने पहुंच करके संबोधित किया। मंडल की बैठक में और सबसे पहले लक्ष्मणकुटी धाम में बैठे हुए हनुमान जी महाराज को याद करते हुए कि उन सब उनकी कृपा सब पर बनी रहे, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भाई वीरेन पटेल जी, जितिन पटेल जी, श्याम पटेल जी और बहुत ही सीनियर कांग्रेसी शुरू से भाई बाबूलाल जी पटेल जी, भाई हमारे केपी भैया महेश पटेल जी और भाई हमारे मानक अहरवाल जी, रमाशंकर गौतम जी, चंद्रवान पटेल जी, रामकिशन पटेल जी, कमल पटेल जी, बलराम भैया और पहले 30 मंडल पर एक 30 पोलिंग बूथ पर एक मंडल होता था और 10 पोलिंग बूथ पर एक सेक्टर होता था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष महोदय कमलनाथ जी का निर्देश था कि अब 15 पोलिंग बूथ पर एक मंडल और 5 पोलिंग बूथ पर एक सेक्टर, तो इस प्रकार से सेक्टर और मंडल की संख्या में बढ़ोतरी हुई। लेकिन हमारे साथ चुनाव में वह लोग भी जुड़े जिन्होंने अपनी विचारधारा को बदला और कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया। कांग्रेस के ऊपर उस समय विश्वास किया जब प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार थी, उन्होंने कमलनाथ जी पर विश्वास किया, कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया और उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। कहने का असर ये है कि राजनीतिक विचारधारा बदलती रहती है, समय के अनुसार परिवर्तन होता है, लेकिन इस चुनाव में दमों की शान को बढ़ाया। हम तो एक परछाई थे, एक हम शैडो थे पंजा चुनाव चिन्ह के। पंजा तो एक चुनाव चिन्ह था जो कि कांग्रेस पार्टी का सिंबल है, लेकिन हम एक परछाई के रूप में काम कर रहे थे और आप सबने भरपूर सहयोग दिया। आप ये विश्वास मानिए, इसमें दमोह का मान और सम्मान बड़ा है। यह जीत दमोह की जनता की जीत तो है ही है, पूरा संसार, पूरा हिंदुस्तान, पूरा मध्य प्रदेश यह देख रहा था कि देखें दमोह के उपचुनाव में क्या होता है, दमोह की जनता क्या करने वाली है। जितना कि बंगाल के चुनाव में लाइट चली गई, फोन लगाई, दो चार लोगों को जाकर कहिए हमें अपने अध्यक्ष जी की बात जमी, अपना अपने कामों का बंटवारा करो, ये नहीं कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ताकि हम लोग और भी काम कर सकें, ताकि हम लोग आपकी और भी बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए लड़ सकें। आप देखो तो चारों तरफ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, सब धनु योजना है, इतनी बड़ी योजना है, पाइपलाइन डाल दी है, पूरी सड़क सत्यानाश कर दी है, खोद दी है, जबकि एग्रीमेंट में ये है कि जिस हालत में आप खोदोगे जो सत्य है उसी हालत में आप बना सकोगे। ये नहीं करना, हम लोग रोज जी सकते, ऐसी एक नहीं कई विसंगतियाँ हैं, कई चीजें हैं। बगल में सीतानगर की योजना चल रही है, भाई कब तक पूरी करोगे, कब तक हमारे किसान के खेत में पानी आएगा, ये सब बातें होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। आखिरी में फिर से आपने जो विश्वास हम लोगों के ऊपर किया है, हम लोग उसमें खड़े उतरेंगे। आप सब बैठे, बहुत देर से बैठे हैं, उसके लिए हृदय से धन्यवाद।